नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल। आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डायबिटीज के पेशेंट्स हार्ट डिजीज से कैसे बच सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट डिजीज होने की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। इनफैक्ट जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें जो सबसे कॉमन कारण है उनकी डेथ होने का, वो हार्ट डिजीज ही है। हार्ट डिजीज अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती है। जैसे एक तो हमें पता चलता है कि दिल का अटैक पड़ता है, दिल का दौरा पड़ता है, या हार्ट की वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। कभी कभी ये क्लॉट्स ब्रेन में भी चले जाते हैं और पैरालिसिस हो सकता है, वो भी उसी से मिलता जुलता ही पार्ट है। या कभी कभी सेम क्लॉट्स पैरों की नसों में भी चले जाते हैं, इसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। तो ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, जिनको हम एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक सिंगल एंटिटी में हम उसको रखते हैं, क्योंकि ये सारे आपस में मिले हुए हैं, सभी के रिस्क फैक्टर्स सेम है और सभी का ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम है। तो इन सबको मैं एक ही वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेज हैं या हार्ट की डिजीज है, उसकी रिस्क कम से कम 3 से 5 गुना बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू जिनको डायबिटीज नहीं है। अब इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? डायबिटीज खुद तो एक रिस्क फैक्टर है ही है, इसके अलावा डायबिटीज के पेशेंट्स में और एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे यदि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, या कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़े हुए हैं, या उनका वेट ज़्यादा है, या वो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको च्यू करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा यदि उनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जैसे यदि आपके पेरेंट्स या भाई बहन, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है स्पेशली यंग एज पे, 50 साल से कम एज पे, तो ये अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हो जाता है हार्ट डिजीज होने का। अब इसमें जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बात की थी, ये दो तरीके से हो सकते हैं, कुछ को हम चेंज नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल। जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट को कम कर सकते हो, यदि आप फिजिकली इनएक्टिव हो तो आप अपनी फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आप स्मोकिंग को बंद कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें रिस्क कैसे कम करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो डायबिटीज कंट्रोल, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ट डिजीज की रिस्क कम करने के लिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर है तो बीपी का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़े हुए हैं तो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करना है, डाइट में चेंजेस करने हैं, सॉल्ट का इंटेक कम करना है, फैट वाली चीज़ें हैं वो कम करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज की रिस्क कम हो जाती है। यदि वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करना है, यदि कोई स्मोकिंग करता है या टोबैको च्यू करता है तो उसको बंद करना है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज होने का। इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, ऐसे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपको चलने पर सांस फूलती है, या चलने पे आपको दिल में भारीपन लगता है, या चेस्ट में पेन होता है, तो वो जनरली हार्ट डिजीज को इंडिकेट करता है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम लगते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करने हैं, और यदि कोई टेस्ट एडवाइज होते हैं तो उन टेस्ट को करना है। इसमें यदि डॉक्टर्स भी कुछ आजकल आपकी जब आपकी डायबिटीज को देखते हैं तो वो भी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन में हार्ट डिजीज होने की रिस्क तो ज़्यादा नहीं है, उसके हिसाब से आजकल कुछ डायबिटीज की मेडिकेशंस ऐसी भी आती हैं जो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर देती हैं। तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि क्या मैं ऐसी मेडिकेशन ले सकता हूँ डायबिटीज कंट्रोल के लिए, जिनसे हार्ट डिजीज की रिस्क एडिशनली कम होती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स हमेशा बीपी कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल शायद बिल्कुल नॉर्मल हैं या हल्के से बढ़े हुए हैं, इसके बावजूद आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी गई है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज यही होता है कि हार्ट डिजीज की रिस्क को कम करना। इसके अलावा यदि पहले किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, या मिलती जुलती प्रॉब्लम हुई है, पैरालिसिस हुआ है, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हुई है, या बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनको खून पतला रखने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, एंटी प्लेटलेट्स, एस्पिरिन, या उससे मिलते जुलते सॉल्ट। तो आपके डॉक्टर ने यदि आपको वो लिखी है तो कुछ सोच समझ के लिखी है, वो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से रेगुलरली लेनी है। तो इसको यदि मैं समराइज करूं कि हार्ट डिजीज की रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इसका एक सिंपल निमोनिक है, ABCDE। ए इज फॉर HbA1c, A1c कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल। बी इज फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। सी इज फॉर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल।
डी इज फॉर डाइट, डाइट में जो चेंजेस करने हैं, एंड डी से दूसरा बनता है डोंट स्मोक, डोंट टेक टोबैको, और ई इज फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड वेट को कम करना है। थैंक यू वेरी मच।